स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक डेथ ऑफ पार्टनर फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। बेटा लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट फुल फ्लेज क्वेश्चन व्हेन पार्टनर इज रिटायर्ड। बेटा जब पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर होता है तो उस टाइम पे हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस When partner is retired, retirement of partner के टाइम पे फुल फ्लेज क्वेश्चन में हम क्या क्या स्टेप उठाते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीज़ों को राइट ऑफ करते हैं, और ये राइट ऑफ कैसे करते हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। सेकंड नंबर पे कैपिटल एंड गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं बेटा। इसमें पार्टनर रिटायर होगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है कैपिटल की, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे सी रिटायर होता है तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उसको रुपए देंगे। इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन तो उसको हम कैश न दे के वो सारे रुपए उसके लोन में ट्रांसफर करते हैं। और गुडविल जो बाहर वाली होती है बेटा वो 101% बेटा कैसे बढ़ती है बेटा, यहाँ पे गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस में जो गेन करता है उसको क्या करते हैं बेटा डेबिट, और जो करता है सैक्रीफाइस उसको हम क्या करते हैं बेटा क्रेडिट। थर्ड स्टेप के ऊपर हम वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल नेचर अकाउंट। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट रियल अकाउंट होता है, पर्सनल होता है या नॉमिनल, नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट में, ऑल इनकम गेन एंड प्रॉफिट बेटा क्रेडिट में। लॉस कब होगा, जब या तो हमारी एसेट डिक्रीज होगी या हमारी क्या होगी बेटा पे लायबिलिटी इंक्रीज होगी। फिर इसका जो प्रॉफिट या जो लॉस आएगा वो कैसे डिवाइड होगा बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट वी मेक द फोर्थ नंबर कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर से डा तीनों की कैपिटल हम यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस बी डी। उसके बाद आपको जहाँ पर भी ए बी सी दिखाई दे उनकी यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। इसके बाद अकाउंट्स बंद करते हैं बेटा। अकाउंट्स बंद करने का रूल क्या है बेटा, यहाँ पे टू लाइन नीचे लगाना, ये और ये साइड क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। सी का जो हिसाब पड़ेगा सारा एड लेस करने के बाद, कहे तो उसके रुपए कैश करना है अदरवाइज वो लोन में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी कैपिटल में क्या पोस्टिंग होती है बेटा, यहाँ पे टू सी लोन या टू कैश। कैश की पेमेंट तभी करनी है जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन हो, अदरवाइज वो सारे रुपए उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में। अगर कैश की पेमेंट करी है तो बैलेंस शीट में उतने से कैश हमारा क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीज, अदरवाइज लोन कहाँ दिखाएंगे बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि इतने रुपये अब उसको हमने देने हैं। और ए बी का जो बैलेंस आएगा बेटा वो हमारा क्या आएगा बेटा टू बैलेंस सी डी, ये आएगी कैपिटल ए की और कैपिटल बी की। फिर टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए बेटा इक्वल। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन जब कब होता है, जब पार्टनर रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट तो मानते हैं वो एंड ऑफ द ईयर होता है। अब टॉपिक हमारा आज का क्या बेटा, डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर रिटायरमेंट की बजाय अगर उसकी डेथ होती है तो हम क्या क्या स्टेप करेंगे। बिल्कुल बेटा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीज़ों को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, कोई भी चेंज नहीं, बिल्कुल डिटो सेम बेटा। सेकंड नंबर पे हम एंट्री करेंगे कैपिटल एंड गुडविल की, कोई भी डिफरेंस नहीं, बिल्कुल डिटो बेटा। बस यहाँ पे क्या बेटा सीज कैपिटल अकाउंट की जहाँ पे के साथ हम क्या एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बेटा, क्योंकि वो तो पार्टनर मर गया बेटा तो जितने भी उसका हिसाब किताब बनता है तो सारे रुपए उसके नॉमिनी को उसके उत्तराधिकारी को दिए जाएंगे। लोन की जगह हमने क्या डालना बेटा एग्जीक्यूटर अकाउंट। गुडविल की एंट्री बिल्कुल डिटो सेम होगी 101%। गुडविल कैसे बटेगी बेटा, डेथ ऑफ पार्टनर में भी गेनिंग रेशो एंड सैक्रीफाइस में। थर्ड नंबर पे बिल्कुल डिटो बेटा सेम बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर उसकी डेथ होने के टाइम पे एसेट और लायबिलिटी की दोबारा से अगर वैल्यू लगाई है तो हम क्या बनाएंगे बेटा यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब फिर उसका प्रॉफिट या जो लॉस आएगा वो कैसे बांटेंगे बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, बिल्कुल सेम बेटा।
अब फोर्थ नंबर पे बेटा इससे ये इजी है, इसमें जो पार्टनर यहाँ पे पार्टनरशिप में उनका कैपिटल अकाउंट न बना के हम केवल केवल किस किस का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर की डेथ होती है केवल उसी पार्टनर का हम क्या बनाते हैं बेटा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसका हिसाब किताब करके उसको घर वालों को दिखाना है भाई आपके पापा ने इतने कैपिटल के रुपए लगाए थे, इतना प्रॉफिट है, इतना हिस्सा रिजर्व में, ये गुडविल में, तो इतना हिसाब आपके पापा का बनता है, तो उसका लेजर बना के हम उनके घर वालों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे सभी का कैपिटल अकाउंट नहीं बना के जिस पार्टनर की डेथ होती है केवल उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, इसे इजी। और आखिर में बेटा इसमें हम बनाते हैं बैलेंस शीट, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती बेटा, क्लियर पॉइंट। पार्टनर जिसकी डेथ होती केवल उसी उसी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और न्यू बैलेंस शीट नॉर्मली इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में, इस यहाँ पे जो टॉपिक है इसमें नहीं बनेगा बेटा, इतना क्लियर है बेटा। तो इसमें हम बैलेंस शीट, जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो उसमें बैलेंस शीट नहीं बनती बेटा, बाकी बिल्कुल सेम है। तो अब आपका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये बेटा जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ ए बी एंड सी आर पार्टनर, उनकी रेशो नहीं गिवन, तो कुछ नहीं गिवन, तो प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे बेटा यहाँ पे इक्वली। नॉर्मली रिटायरमेंट मानते हैं कि वो एंड ऑफ द ईयर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अप्रैल 18 को साल स्टार्ट हुआ था, बंद होता है 31 मार्च 19 को, और बी पार्टनर की डेथ होगी बेटा, बी पार्टनर मर गया, तो मर गया कब बेटा 31 अगस्त को। तो अब बेटा इंपॉर्टेंट क्या बेटा, मर गया तो उसके 10 डेज बाद 20 डेज बाद उसके घर वाले आएंगे, उसके बच्चे आएंगे, कहेंगे मेरे पापा का हिसाब कर दो बेटा, उसकी डेथ होगी तो वो कहेंगे भाई लो भाई आपके पापा का इतनी कैपिटल थी, ये रिजर्व में शेयर है, ये गुडविल में इतना हिसाब आपका बढ़ता है। लेकिन उनके घर वाले कहेंगे मेरे पापा ने इस साल भी तुम्हारे साथ अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक काम किया है, तो मेरे पापा का मरने की डेट तक का भी प्रॉफिट में कुछ शेयर बनता है, उसका हिस्सा दोगे। तो जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका प्रॉफिट में शेयर निकालेंगे अप टू डेट ऑफ डेथ, मरने की डेट तक का। तो फिर जो पार्टनर वहां पे रहते हैं उन्होंने क्या कहा भाई प्रॉफिट तो उन्हें पता ही नहीं, प्रॉफिट तो साल के एंड में पता लगेंगे, अब कैसे शेयर दें। तो उन्होंने उसके बच्चों ने कहा कोई बात ना, जो प्रॉफिट आपके लास्ट ईयर के हैं उसके बेस पे उतना ही प्रॉफिट आप इस साल का मान लो। डेथ ऑफ पार्टनर में एक्स्ट्रा टॉपिक क्या बेटा, उसके प्रॉफिट का शेयर निकाल लेंगे बेटा, कहां तक का अप टू डेट ऑफ डेथ, उसके मरने की डेट तक का उसका प्रॉफिट में शेयर निकालेंगे, क्योंकि उसने इस साल भी फर्म में इन तीनों के दोनों के साथ मिलके काम किया, कितने महीने बेटा अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, यानी इस साल उसने फर्म में कितने मंथ हमारे साथ मिलके काम किया बेटा 5 मंथ, तो 5 मंथ का भी वो प्रॉफिट में शेयर मांगेंगे। अब प्रॉफिट में शेयर पता कैसे लगेगा बेटा यहाँ पे, इस साल का प्रॉफिट तुम्हारे को एंड में पता लगेगा, तो उन्होंने एक्सक्यूज दिया कोई बात ना, जो प्रॉफिट आपके लास्ट ईयर के पड़े हैं उतना ही प्रॉफिट तुम यूं मान लो कि इस साल कमाया होगा, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट एक साल के बेस पे या पिछले 3 साल के बेस पे कैसा भी है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। इस क्वेश्चन में उसके मरने की डेट तक का प्रॉफिट में शेयर निकालना बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेट ऑन 2 मेथड, फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और सेकंड कौन सा होगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ शेयर। दो प्रकार से उसके मरने की डेट तक का उसका प्रॉफिट पे हिस्सा कैलकुलेट करेंगे, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड एक ऑन द बेसिस ऑफ ए टाइम। तो फर्स्ट हम इस तरीके से करते हैं बेटा, इस ईयर में उसने कितने साल हमारे साथ टाइम साथ वहाँ पे काम किया बेटा 5 मंथ, तो उसके घर वालों ने कहा भी मेरे पापा ने तुम्हारे साथ 5 मंथ काम किया, तो 5 मंथ के प्रॉफिट में भी हमारा हिस्सा दो।
तो उसके मरने की डेट तक का प्रॉफिट में हिस्सा निकाल लेंगे। उसके दो मेथड हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो हम फर्स्ट मेथड यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज करो तीन पार्टनर थे, बी इज कि उसकी डेथ होगी बेटा ऑन 31 अगस्त, एंड अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ हिज वी कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ ए प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो वे उन्होंने कहा भाई ये कैसे निकालेंगे, मेरा पिछले जो 3 ईयर के प्रॉफिट हैं उनके एवरेज के बेस पे हम उसके मरने की डेट तक का प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करेंगे। पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है बेटा, इसका टोटल कर लिया 162, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे आगे पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बेटा नहीं, ये हमारा क्या नॉर्मली 1 साल का प्रॉफिट, आए साल हम नॉर्मली 54,000 प्रॉफिट कमाते हैं, इतना प्रॉफिट हमने कमाया बेटा। तो ये प्रॉफिट तीनों सालों का या 1 साल का बेटा, 1 ईयर का, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं बेटा यहाँ पे, 12 मंथ। तो जब फर्म लास्ट ईयर 12 मंथ वो काम करती है तो फर्म ने कितने प्रॉफिट कमाए थे बेटा यहाँ पे, 54, ये कैलकुलेट कर लिया। When firm work business whole year 12 month, then firm earn average profit 54. जब फर्म आम तौर पे 12 महीने काम करती है तो हमारी दुकान में प्रॉफिट होते 54,000। अगर मान लो फर्म अगर बिजनेस करती 1 मंथ तो कितने उसके प्रॉफिट होते बेटा, अपॉन में 12। और अप टू डेट ऑफ डेथ उन्होंने इकट्ठे मिलके कितने महीने उसकी फर्म ने उनका बिजनेस किया बेटा, 5 मंथ। अगर तीनों मिलके 5 महीने अगर काम करते तो कितना प्रॉफिट वो कमा लेते, एक्चुअली बेटा कितना प्रॉफिट वो कमा लेते, ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो एवरेज प्रॉफिट है पूरे 12 महीने के, तो 1 मंथ के क्या होते हैं, अपॉन में 12। और जब तक उन्होंने इकट्ठा काम किया तो उतने मंथ में कितने प्रॉफिट उनके होते, तो ये प्रॉफिट अगर निकाल लोगे तो ये आएंगे हमें 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60 बेटा, यानी कुल मिला के 22,500। तो ये प्रॉफिट आगे बेटा 5 महीने के, लेकिन 5 महीने के प्रॉफिट है बेटा, ये प्रॉफिट है पूरी फर्म के। तुम ये अकेला बी का शेयर मानोगे, अब इसमें बी का शेयर निकालें तो बी को कितना शेयर मिलता बेटा यहाँ पे, 1/3 मिलता, क्लियर पर इतना बेटा। उसके मरने की डेट तक का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया पिछले 3 ईयर के एवरेज के बेस पे। अगर कहता कि बेटा पिछले लास्ट ईयर के बेस पे निकालना है तो ये प्रॉफिट मानते हैं यहाँ पे 12 मंथ के 72,000। तो 1 मंथ के क्या होते हैं, अपॉन में 12, तो 5 मंथ के क्या होते हैं, जब तक मरने की डेट तक का प्रॉफिट पिछले सालों के प्रॉफिट के बेस पे निकाल लिया। और ये जो प्रॉफिट आएगा बेटा, ये 5 महीने का प्रॉफिट अकेला बी का नहीं है, ये पूरी फर्म का है। अब पूरी फर्म के प्रॉफिट में से बी का हम शेयर निकाल लेंगे 1/3, तो वो आएगा बेटा 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15 बेटा, इतना शेयर बी का आएगा। ये बी को मिलेगा तो क्या कर देंगे, 2B कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट में उसका हिस्सा इतना मिलेगा। और इतने से पी एंड एल अकाउंट हमारा क्या होगा बेटा, डेबिट, तो एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2B कैपिटल। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बेटा, बी को उसके मरने की डेट तक का प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इतना प्रॉफिट उसको मिलेगा। और ये पी एंड एल अकाउंट से मिला बेटा, ये प्रॉफिट हमने एक्चुअल है या पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे अनुमान लगाया कि इतने प्रॉफिट हो जाएंगे, कन्फर्म नहीं बेटा, इसलिए इस प्रॉफिट पे सस्पेंस है। तो यहाँ पे क्या डाल लेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2B कैपिटल। अब बी कैपिटल हम क्या पोस्टिंग करते हैं बेटा, उसके मरने की डेट तक की एंट्री क्या होती है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों लिखा बेटा, क्योंकि इतना प्रॉफिट हो सकता है, हमने अंदाजा लगाया है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। इसमें एक पॉइंट आपने नोट की बेटा, बी रिटायर हो गया, इसके बाद ए और बी की रेशो में कोई चेंज नहीं आया। अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर ए और सी की में कोई चेंज नहीं है, इफ देर इज नो चेंज,
तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, और जितना उसका पूरी फर्म का प्रॉफिट आया उसमें से उसका शेयर निकालना जरूरी है। ये प्रॉफिट 5 मंथ के वोल फर्म के हैं बेटा, तो उसका 1/3 जो आएगा 7500, क्योंकि इसमें रेशो मान लो और कुछ नहीं है, तो जो ए और सी की न्यू रेशो क्या मानने बेटा, यहाँ पे वन रेशो, यहाँ पे वन, और जो उनकी न्यू रेशो आएगी वही क्या आती बेटा, उनकी गेनिंग रेशो आती है। लेकिन अगर कह दे कि इसके अंदर उन्होंने ए और सी ने डिसाइड किया है कि उनकी यहाँ पे रेशो फ्यूचर में चेंज होगी, अगर चेंज हो तो एक स्टेटमेंट, अगर चेंज ना हो तो एंट्री होगी, और सेकंड स्टेटमेंट अगर उनके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो चेंज हो तो बेटा ए और सी की अगर बुक के अंदर हम देखते हैं तो उसमें रेशो क्या है, 7:5। तो ये उनकी बेटा यहाँ पे ओल्ड रेशो थी, ये उनकी न्यू रेशो है, ओल्ड माइनस न्यू रेशो निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगी बेटा, ए एंड सी की हमारी आ जाएगी गेनिंग रेशो बेटा। तो गेनिंग रेशो निकाल लोगे बेटा, अगर रेशो चेंज हो तो फिर यहाँ पे पी एंड एल काउंट न लिख के हम क्या लिखेंगे बेटा, ए कैपिटल सी कैपिटल टू बी कैपिटल, बी का जो प्रॉफिट में शेयर है 7500, इसको हम बांटेंगे गेनिंग रेशो में। अगर इफ देर इज चेंज इन फ्यूचर प्रॉफिट रेशो देन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे डेबिटेड इन एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर इन गेनिंग रेशो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की जगह फिर क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे ए एंड सी कैपिटल, और किस रेशो में बेटा यहाँ पे गेनिंग रेशो में, क्योंकि उनका आगे जिस रेशो में वो गेन करेंगे उसको जितने प्रॉफिट देंगे वो उस लॉस को उसी रेशो में बियर करेंगे। रेशो चेंज ना हो तो कैसे बात लिखेंगे, पी एंड एल काउंट, और उनकी रेशो चेंज हो तो बेटा फिर यहाँ पे पी एंड एल सस्पेंस की जगह क्या लिखना है, जो पार्टनर बच गए उसका नाम, उन्होंने जिस जिस रेशो में उसका हिस्सा गेन किया उसी रेशो में उनका अकाउंट क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। अब तक हमने क्या सीखा बेटा, उसकी अप टू डेट ऑफ डेथ तक का उसका प्रॉफिट में शेयर निकालने का एक तरीका सीखा है, और वो कौन सा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, भाई पिछले सालों उसने एवरेज प्रॉफिट कमाए 54, ये प्रॉफिट थे 12 महीने के, तो 1 मंथ में क्या होते हैं अपॉन में 12, और अब तक उसने 5 मंथ मिल के काम किया तो उन सभी ने 5 मंथ में कितने प्रॉफिट कमा लिए होंगे पूरी फर्म के, इसमें जो मरा है उसका शेयर निकाल लेंगे, वो आया 7500। इसके दो एंट्री होंगी, अगर रेशो चेंज ना हो तो पी एंड एल सस्पेंस टू बी कैपिटल, और रेशो चेंज हो तो यहाँ पे गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस। सेकेंड मान लो हम निकालते हैं, अगर ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेस पे अगर हो तो बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा बेटा बुक के अकॉर्डिंग 58। 60th क्वेश्चन में बेटा तीन पार्टनर हैं ए बी सी, ए बी एंड सी आर पार्टनर, जो प्रॉफिट को बांटते हैं 4:3:2 में। ए डाइज ऑन 31st दिसंबर, इसकी डेथ होगी बेटा 31st दिसंबर को 2019 को उसकी डेथ होगी बेटा ए की, एंड अकाउंट्स आर क्लोज 31st मार्च, अकाउंट्स कब होते हैं डावे हमेशा 31st मार्च को, तो ये अकाउंट्स बंद कब होता 31st मार्च 2020 को बेटा, तो शुरू कब हुआ बेटा यहाँ पे 1 अप्रैल 19 को, तो उसने ओ ए इस साल फॉर्म में कितने महीने रहा बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि वो इस साल फॉर्म में उसने इकट्ठा कितने मंथ काम किया बेटा, 9 मंथ, तो उसके 9 मंथ तक का उसकी डेट ऑफ डेथ तक का उसका प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करेंगे। वो दो तरीके हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और सेकंड कौन सा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अब हम डिस्कस करेंगे सेल के बेस पे, तो दिखाकर सेल ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख बेटा, पिछले साल फर्म ने सामान सेल किया था 4 लाख का, लास्ट ईयर बेटा 1 अप्रैल 18 से 31st मार्च 19 तक, पिछले साल फर्म ने गुड्स बेची थी टोटल 4 लाख की, लास्ट ईयर फर्म सेल रुपीज 4 लाख,
जब पिछले साल कंपनी ने 4 लाख रुपए का सामान बेचा तो फर्म ने प्रॉफिट कमाए थे, वो क्वेश्चन में गिवन है बेटा। कितने रुपए वहाँ पे प्रॉफिट दिखा रखे हैं, 60,000। जब लास्ट ईयर कंपनी की टोटल सेल 4 लाख थी तो फर्म अर्न प्रॉफिट 60,000, और इस साल 9 मंथ में फर्म कुल कितने की सेल कर चुकी बेटा, अभी 3,30,000 की। इतने का सामान वो 9 मंथ में वो पार्टनर बेच चुके, सेल होगी बेटा। तो अब हम कैसे निकालेंगे बेटा सेल के बेस पे, लास्ट ईयर की सेल अगर 4 लाख थी तो फर्म के प्रॉफिट 60,000, अगर सेल अगर 1 होती तो प्रॉफिट क्या होते बेटा, अपॉन में 4 लाख। और अब तक की यहाँ पे अप टू दिसंबर तक कंपनी की फर्म कितने का गुड्स बेच चुकी बेटा, हमें 3,30,000 का, तो उस पे कितना प्रॉफिट होगा इंटू 3,30 बेटा। इसमें ये जो अमाउंट आएगा बेटा ये आएंगे उसकी पूरी फर्म के प्रॉफिट। अब इसमें जो मरा है बेटा उसका हम क्या निकाल लेंगे, शेयर निकाल लेंगे 4/9। एंट्री वही रहेगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। तो हमने दो प्रकार से कर लिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल। थैंक यू बेटा।